आज दिनांक 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रगढ़ प्रखंड के तुमुंग पंचायत अंतर्गत भाटूचोर गांव में हर वर्ष के भांति सदियों से चली आ रही हरिनाम संकीर्तन का समापन हुआ। बता दें कि यह संकीर्तन अष्टम प्रहर का था। संकीर्तन के दौरान पूरी गांव भक्तिमय हो गया और चारों तरफ जय जयकार का नारे लगे। भाटूचोर गाँव पहुंचे हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। आज राजनगर प्रखंड के तुमुंग पंचायत अंतर्गत भाटूचोर गांव में आयोजन किया गया है, जो कि अष्टम पहर का हरिनाम संकीर्तन है। और देखा जाए तो पूरा गांव पूरा भक्तिमय हो चुका है और बहुत ही दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और श्रद्धापूर्वक हरिनाम संकीर्तन सुन रहे हैं। लोग पहुंचे हुए हैं और साथ ही देखा जाए तो बहुत दूर दराज से हरिनाम संकीर्तन को लेकर पार्टियाँ भी आ चुकी है और अपना अपना संकीर्तन अपने अपने माध्यम से अपना सुर के माध्यम से कीर्तन प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितने सालों से यहाँ पे लगातार हरिनाम संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं, सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, लगभग कितने सालों से कीर्तन करते हुए आ रहे हैं? हो गया करीब 1990 से। कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं? ये बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं देखने के लिए। आमने सामने गाँव का बहुत आदमी सारे देखने के लिए आते हैं। बहुत काल ऐसा उत्सव हुआ, बहुत भीड़ भाड़ हुआ है, बहुत मतलब दर्शक देखने के लिए महीने में आता है कि टांगोट जोड़ा सॉरी आपका ये जो गांव है, ये गांव बड़ी चर्चित है, हरिनाम संकीर्तन को लेकर के बहुत ही चर्चित है। क्या कहेंगे इस विषय के? बहुत अच्छा ये है, तो ये करने वाला है, ये सब है, अच्छा करते हैं। बहुत दूर दूर दूरंत से जाते हैं, ये करते हैं। गांव के अलावा दूसरा गांव से भी सहयोग मिलता है हरिनाम? हाँ, बहुत सारा आमने सामने कोई आते हैं तो कोई डोनेट करते हैं, देते हैं, बहुत दूर दूर मतलब ये करते हैं, चाहे चंदा देते हैं, सब करते हैं। और एक बार आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम देवलाल गोप है, बाटोजर गांव, तुमुंग पंचायत, राजनगर प्रखंड, सरायकेला जिला। बहुत दूर दराज से आते हैं कीर्तन सुनने के लिए। लगभग कितने पार्टियां हैं यहाँ पे आए हैं? यहाँ 7 पार्टियां था। कहाँ कहाँ से पार्टियां हैं? पार्टी आए टांगोर जोड़ा से, एक तो केन मुंडी से। सब लोकल पार्टी है? सब लोकल पार्टी है। लेडीज पार्टी भी है? लेडीज पार्टी दो है। किस तरह से प्रत्येक वर्ष किस तरह से कीर्तन मनाया जाता है? बहुत भीड़ होता है, हजारों की संख्या में, हजारों से संख्या से भीड़ होते हैं। इसके अलावा कीर्तन के उपलक्ष्य पर और क्या क्या आयोजन किया जाता है? और कुछ आयोजन नहीं, हम लोगों का यही भगवान के नाम है मनाते आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप गोप।